अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, यहाँ पर आप लोगों को दिखाने वाला हूँ शहीनशाह अफरीदी और सरफराज अहमद की लड़ाई, जो कि आज के मैच में हुई। PSL के मैच नंबर 23 क्वेटा ग्लेडिएटर और लाहौर कलंदर के मैच में सरफराज अहमद और शहीनशाह अफरीदी की जो लड़ाई हुई, तमाम तर तफसीलात आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाली हैं कि आखिर क्या बात हुई थी, किस वजह से ये गर्मा गर्मी हुई और कैसे तमाम के तमाम खिलाड़ी ग्राउंड में इकट्ठे हो गए और उन्होंने इन दोनों को अलग किया। तमाम तर तफसीलात, तमाम तर वीडियो आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाली है। आप लोगों ने बस इस वीडियो को मिस नहीं करना और आप लोगों ने लाजमी कमेंट बॉक्स में बताना है कि सरफराज अहमद का कसूर था या शहीनशाह अफरीदी का, किसकी गलती थी। ये आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं और अभी भी आप लोगों को मैं दिखाने भी वाला हूँ, आप लोगों के सामने ये शो करवाऊँगा कि आखिर किस वजह से ये लड़ाई हुई। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूं कि पाकिस्तान सुपर लीग का 23वां मैच ये खेला जा रहा है। लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद यूनाइटेड पाकिस्तान सुपर लीग 6 के प्ले ऑफ मरहल्ले में क्वालिफाई कर चुकी हैं। 23वें मैच में शहीनशाह अफरीदी ने जब सरफराज अहमद को एक इंतहाई शानदार बाउंस किया, ये आप लोग देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, उनके हेलमेट से जा टकराया, जिस पर शहीनशाह अफरीदी आगे की तरफ आए। सरफराज अहमद ने सिंगल रन स्कोर किया जो कि लेग बाई का था और इस तरह फिर एक रन लेने के साथ ही सरफराज अहमद और शहीनशाह अफरीदी नज़दीक आ गए एक दूसरे के और दो तीन बातें हुई, गर्मा गर्मी हुई। आप लोग देख सकते हैं तस्वीरों में ये किसका कसूर नज़र आ रहा है आप लोग। आई थिंक शहीनशाह अफरीदी ने ये अच्छा नहीं किया, उनको बड़े प्लेयर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी, सरफराज अहमद की, जो कि उनके कैप्टन भी रह चुके हैं। तो इस तरह आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे, आप लोगों ने अपनी कीमती राय कॉमेंट बॉक्स में देनी है।